साथ जुड़ जाएं, कोई कारण नहीं कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर न लगे, स्मार्ट भी दिखेगा और साथ साथ हम लोग दुनिया से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाएंगे। रामगढ़ ताल कितना भव्य बन गया है और भव्य उसको तैयार किया जा रहा है। जब भी जाओ देखो ना, 25-30 हजार लोग इकट्ठे रहते हैं, देखते हैं, परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। मैंने तो विधायक निधि का पैसा ही अलग अलग गांव पर दिया है कि भाई कहीं शादी ब्याह के लिए कन्वेंशन सेंटर बने, वहां पे लोगों के लिए सुविधा बने। नगर निगम भी बना रहा है। तो जो लोग महंगे होटल में पैसा नहीं खर्च कर सकते, मैरिज हॉल बुक नहीं कर सकते, उनको सस्ते में ये हॉल नगर निगम उपलब्ध कराएगा। मैंने विधायक निधि का भी अपना पूरा पैसा इसी के लिए दिया है कि भाई जो पार्षद वहां पे लोगों को उपलब्ध कराओ, सुविधाएं उपलब्ध कराओ पब्लिक की। यही ईज ऑफ लिविंग, स्वच्छ वातावरण हो, शुद्ध पेयजल हो, स्ट्रीट लाइट समय पे चले, हर गरीब के पास अपना मकान हो, हर गरीब के पास राशन की सुविधा हो, हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हर गरीब को स्वस्थ ईंधन मिले, ये सभी कार्य। और ये जो आपने आज कार्य किया है सॉलिड वेस्ट के सिक्रिकेट के लिए, क्यूब्स के माध्यम से फिर उसे यहां से सप्लाई किया जाएगा। यहां पे जो प्रोसेसिंग के सेंटर स्थापित हो रहे हैं, यह सिटी के पर्यावरण को बेहतरीन करेगा। और मैं पार्षदों से भी कहूंगा, इस बार जब वन महोत्सव का कार्यक्रम हो, हर पार्षद अभी से संकल्प ले कि जो भी खाली जगह हो वहां पे अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ उन वृक्षों को सुरक्षित रखने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अभी हमने नगर निगम को 50 एकड़ एक लैंड उपलब्ध करवाई है बड़ी गौशाला के लिए। हमने कहा यहाँ पे एक बड़ी गौशाला बनाओ, सिटी के अंदर जितने भी ऐसे गायें हैं उन सबको वहां भेज दो और वहां पे उनकी देखभाल हो। वहीं पे हम वेटनरी कॉलेज भी बना रहे हैं, वे लोग वहां पर उनकी देखभाल भी कर देंगे, उसमें सहयोग भी कर देंगे। सिटी के अंदर हर मोहल्ले में अच्छी सड़क बने, वहां पे जल निकासी की व्यवस्था हो। पहले आधा गोरखपुर शहर गुड़दवा नाले के नाते चौक हो जाता था, आज नाला भी बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत चौड़ा नाला बन रहा है, दोनों तरफ सिविल लाइन भी जा रही है, दोनों तरफ सड़क भी बन रही है, स्ट्रीट लाइट भी होगी। जहां पहले लोग झांकने नहीं जाते थे, जहां पहले शहर का कचरा इकट्ठा होता था, आज वहां पे लोग सेल्फी लेने के लिए जाएंगे जिस दिन वो नाला वहां पे तैयार हो जाएगा। आप दुनिया को दिखाएंगे जैसे रामगढ़ ताल था ना, आज से 7 साल पहले क्या था, गंदगी और अपराध का गढ़। आज रामगढ़ ताल फिल्म शूटिंग का और वहां पे सेल्फी का एक बेहतरीन पॉइंट बना हुआ, लोग परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। पहले रामगढ़ ताल का नाम लेने पर लोग डरते थे, कोई वीआईपी आता था गोरखपुर में और सर्किट हाउस में ठहराना होता था तो हम पहले व्यवस्था करते थे वहां पीएसी है कि नहीं है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है कि नहीं है। और आज रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथियार लिया, पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा, बहुत सुंदर मकान बनाया। आप इसे कितने लोग हैं उनके घर में, खिलाया क्या वहां पे कुछ, अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को, अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म शूटिंग में भी भाग लीजिए और वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है। तो देखो ये इतनी सुविधा आपको बैठे बैठे मिल गई। तो रामगढ़ ताल जहां लोग डरते थे, आज भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन वहां पे अपना आवास बना के रह रहे हैं, ये है सुविधा। ऐसे गुड़दवा नाली के किनारे भी जो लोग बसे होंगे, पहले नारकीय जीवन था, अब उनको लगेगा कि वास्तव में धरती का स्वर्ग कहीं पे है, तो और अब नाला नहीं रहेगा बल्कि नदी के रूप में सामने आ रहा है। भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ट्रैफिक की व्यवस्था, अधिक से अधिक खुलापन, लोगों को बेहतरीन सुविधा, ये
कुछ ना कुछ नया करना चाहिए और इसमें जनसहभागिता जितनी हो सकती है। वृक्षारोपण, इस बार जब बुढ़दवा नाला पूरा तैयार हो जाएगा, जब दोनों तरफ व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए, हरा भरा दिखना चाहिए। और मैं सभी पार्षदों से कहूंगा, हर वार्ड में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए। हमारा शहर केवल कंक्रीट का एक जंगल नहीं दिखना चाहिए, हरा भरा भी दिखना चाहिए, शुद्ध भी दिखना चाहिए, सुंदर भी दिखना चाहिए। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे कार्यकाल को यादगार बनाएंगे। जैसे सीताराम जी के समय